थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई करीब 4 लाख की चोरी की घटना को पुलिस ने सुलझा दिया है। इस चोरी को दो आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। इसमें से एक आरोपी को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी, लेकिन जिसके पास चोरी के आभूषण थे उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। इस वजह से चोरी का माल भी बरामद नहीं हो पाया था। बीते रोज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी लाखन लोधी को गिरफ्तार करने के साथ ही उससे चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। बुधवार को एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने इस मामले का पर्दाफाश किया। पिछले साल आरोपी लेखराज लोधी और उसके साथी लाखन लोधी ने चांचौड़ा में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में आरोपियों ने 4 किलो चांदी और कुछ सोने की रकम चोरी की थी। पुलिस ने इस घटना में लेखराज को पकड़ा था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल तो कर लिया, लेकिन रकम उसके पास न होकर लाखन के पास थी। पिछले एक साल से ही पुलिस आरोपी को तलाश रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। साथ ही उसने चोरी की रकम को भी छुपा कर रख दिया था। बीते रोज पुलिस को मुखबिर से जानकारी हाथ लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे रकम के साथ धर दबोचा। ये 2018 में एक मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें सोना चांदी का सामान जो है वो चोरी गया था। उसके अंदर 2018 में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेखराज लोधी तेरेगांव का रहने वाला है। उसके द्वारा अपना जुर्म कबूला भी गया था। उस साथ साथ में उसका जो साथी था लाखन लोधी, उसके पास पूरा के पूरा माल होना बताया गया था। आज 13-14 महीने बाद में पुलिस द्वारा जो है वो उसके अंदर लाखन लोधी के बारे में सूचना जैसे ही मिली, तत्काल पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेके पूछताछ की, तो पूछताछ में पता चला कि वो सारा का सारा सामान जो है वो उसने कहीं छुपा के रखा हुआ है। जाके वहाँ पर जो पूरा के पूरा सामान जो है वो पुलिस ने आज बरामद भी कर लिया है। लगभग 3 से 4 लाख का सामान जो है वो बरामद किया है, जिसमें 3 से 4 किलो के आसपास चांदी है और कुछ सोना भी बरामद किया गया है।